में आप सीखेंगे वाटरमार्क के बारे में और किस तरह से आप वाटरमार्क को ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटरमार्क होता क्या है? वाटरमार्क जो है वो एज अ सिग्नेचर या एज अ स्टैम्प आपके डॉक्यूमेंट में यूज़ होती है बैकग्राउंड पे, और इससे ये होता है कि अनऑथराइज जो यूज़र्स हैं वो आपको मिस यूज़ नहीं कर सकते आपके डॉक्यूमेंट को, या जब तक आप उसको कॉपीराइट जो है वो दे ना दें उस यूज़र को, तब तक वो जो है वो आप कॉपीराइट भी क्लेम कर सकते हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मिस यूज़ नहीं हो सकता। तो किस तरह से आप MS Word में इसको ऐड करेंगे, आपने डिज़ाइन टैब के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा आपके पास डिफरेंट जो है वो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियल वन एंड सेकेंड वन इज़ कॉन्फिडेंशियल टू के नेम से। अगर आप इस टेम्पलेट को देखें तो कॉन्फिडेंशियल ही लिखा हुआ आएगा, बट यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डायगनल पे लिखा हुआ और यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल हॉरिजॉन्टल में है। देन आप थर्ड वन एंड फोर्थ वन को अगर देखें तो लिखा हुआ डू नॉट कॉपी, और डू नॉट कॉपी जो है वो आपके पास क्या है कि ये डायगनल पे आ रहा है एंड देन हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं चूज़ कर लूँ तो फर्स्ट वन यानी कि कॉन्फिडेंशियल है मेरा जो डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करूँगी और मेरा जो वाटर मार्क है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो वाटर मार्क है वो ऐड हो चुका है, तो मेरे डॉक्यूमेंट के जितने पेजेस होंगे इन ऑल के ऊपर जो है वाटर मार्क आ चुका है। तो मेरे पास ओवरऑल यहाँ पे 3 पेजेस हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे 3 पेजेस के ऊपर वाटर मार्क आ चुका है। अब इस कॉन्फिडेंशियल की जगह आप अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख सकते हैं, आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है एज अ वाटर मार्क। तो वो आप कैसे करेंगे, आपने अगेन वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने क्लिक करना है कस्टम वाटर मार्क के ऊपर, देन ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास 3 रेडियो बटन्स है। फर्स्ट वन इज़ नो वाटर मार्क, सेकेंड वन इज़ पिक्चर वाटर मार्क, एंड थर्ड वन जो चूजन है वो क्या है, टेक्स्ट वाटर मार्क। लैंग्वेज यहाँ पे चूजन है ऑलरेडी वो है इंग्लिश, एंड टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कॉन्फिडेंशियल। आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको रेज कर देना है, देन आपने अपना जो डाटा है आपने यहाँ पे लिख लेना है जो आपको टेक्स्ट चाहिए एज अ वाटर मार्क। तो मैं यहाँ पे अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख रही हूँ, चैनल का नेम लिख रही हूँ, देन फॉन्ट जो है वो आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो चूजन है वो है कैलिब्री, यहाँ से आपने डाउनवर्ड एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मुझे जो रिक्वायर्ड है वो अल्जीरियन है, देन मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। साइज़ जो है आप इस टेक्स्ट का वो भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो ऑटो है, देन आपने इसके डाउनवर्ड एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ करके 60 कर देती हूँ। देन आपने टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी चूजन है वो ग्रे है, मैं इसको रेड कर देती हूँ। देन बारी आती है सेमी ट्रांसपेरेंट की, ये ऑलरेडी जो है वो चेक मार्क्ड है, अगर इसको मैं सेमी ट्रांसपेरेंट ना रखूँ तो ये जो टेक्स्ट है मेरा ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर का शो होगा, जब इसके ऊपर मैं कुछ लिखूँगी अपने डॉक्यूमेंट में तो वो रीडेबिलिटी में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैं इसको चेक मार्क्ड ही रहने दूंगी। देन बारी आती है लेआउट की, तो लेआउट में आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, फर्स्ट वन इज़ डायगनल एंड हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंशियल जो लिखा हुआ आ रहा था वो भी डायगनल पे था, तो मुझे भी डायगनल ही रिक्वायर्ड है। देन ओके के ऊपर जब मैं क्लिक कर दूँगी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो कस्टम वाटर मार्क है वो बन चुका है। अब इन ऑल पेजेस के ऊपर कस्टम वाटर मार्क मेरा आ चुका है, पेज 2 of 3 के ऊपर भी आ चुका है, एंड पेज 3 of 3 पे भी मेरा वाटर मार्क आ चुका है। यहाँ तक आपने सीख लिया किस तरह से आप अपना टेक्स्ट जो है वो एज अ वाटर मार्क ले सकते हैं, कस्टम वाटर मार्क आप कैसे बना सकते हैं। अब एज कोई भी इमेज जो है उसको आप कैसे वाटर मार्क के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, तो आपने अगेन वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने कस्टम वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑप्शन है पिक्चर वाटर मार्क, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, देन क्लिक करना है आपने सेलेक्ट पिक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, अगर आपके पास जो पिक्चर है वो आपके पीसी में मौजूद है तो आपने फ्रॉम अ फाइल ही करना है, अगर आपने ब्राउज़र से सर्च करनी है कोई इमेज जिसको आपने एज अ वाटर मार्क लेना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। मैं फ्रॉम अ फाइल करूँगी और देन यहाँ पे जो मेरा लोगो ऑलरेडी बना हुआ है, आप कोई भी लोगो ले सकते हो, कोई भी इमेज ले सकते हो जो आप एज अ वाटर मार्क आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो मैं इस लोगो को क्लिक करूँगी एंड देन मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगी। यहाँ पे आप सिलेक्ट पिक्चर के आगे देखेंगे तो आपकी जो इमेज है उसका 5 शो हो रहा होगा, देन आप इसका स्केल चेंज कर सकते हैं, स्केल में ऑलरेडी चूजन है ऑटो, आप यहाँ से इसका चेंज कर सकते हो, मैं इसको 100% कर रही हूँ, एंड देन वॉश आउट को मैं सिलेक्टेड ही रहने दूंगी। देन आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो एज अ वाटर मार्क यहाँ पे शो हो जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स के जितने भी पेजेस होंगे ऑटोमेटिकली उन ऑल्स के ऊपर आपके जो वाटर मार्क है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है वाटर मार्क। अभी आपने ये देखा था कि मैंने जो वॉश आउट था उसके ऊपर चेक मार्क किया हुआ था, अगर मैं चेक मार्क ना करूँ तो फिर क्या होगा, मैं अगेन कस्टम वाटर मार्क के ऊपर क्लिक कर रही हूँ,
वॉश आउट को मैं अनचेक कर रही हूँ एंड देन मैं ओके कर रही हूँ। ये मेरी ओरिजिनल इमेज थी, इन कलर्स में थी। जब आप वॉश आउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है कि आपकी इमेज जो है वो ट्रांसपेरेंसी की साइड पे चल जाती है, मीन्स थोड़ी ब्लर हो जाती है। तो जो इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखूंगी वो रीडेबिलिटी में मुझे ईजी हो जाएगा। इसका मैं आपको डेमो यहाँ से दे देती हूँ। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ और उसके पीछे वाटर मार्क है। अगर आप यहाँ से नोटिस करें तो आपको रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो बैकग्राउंड पे मेरा वाटर मार्क है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का है। तो आप क्या करेंगे, जब मैं इसका जो है वाटर मार्क को मैं वॉश आउट कर दूंगी, मीन्स कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी साइड पे चला जाएगा और ब्लर हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा कि आपकी रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आपका वॉश आउट भी आप कर सकते हैं, और उसको वॉश आउट के बिना अगर करेंगे तो आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो शो होगी। तो आज की इस वीडियो में आपने सीख लिया किस तरह से आप वाटर मार्क को ऐड कर सकते हैं और अपना कस्टम वाटर मार्क किस तरह से बना सकते हैं। अगर मैंने रिमूव करना हो वाटर मार्क तो मैं कैसे करूँगी, आपने वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करना है, देन थर्ड ऑप्शन है रिमूव वाटर मार्क। आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में से ऑल पेजेस से वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी वाटर मार्क के बारे में कि किस तरह से आप वाटर मार्क को एडिट कर सकते हैं, अपना कस्टम वाटर मार्क कैसे बना सकते हैं, आप इमेज को एज अ वाटर मार्क कैसे ले सकते हैं और आप रिमूव कैसे कर सकते हैं।